जिला बिलासपुर में एक शराबी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपने बड़े से बड़े शराबी देखे होंगे, लेकिन ऐसा शराबी नहीं देखा होगा जो शराब के नशे में बीच सड़क में नंगा होकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता है, वो भी किसी ग्रामीण रास्ते पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग धर्मशाला शिमला के गसोड़ के समीप चौक पर किया। जिला बिलासपुर में एक शराबी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपने बड़े से बड़े शराबी देखे होंगे, लेकिन ऐसा शराबी नहीं देखा होगा जो शराब के नशे में बीच सड़क में नंगा होकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता है, वो भी किसी ग्रामीण रास्ते पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग धर्मशाला शिमला के गसोड़ के समीप चौक पर किया। कभी वह शराबी बीच सड़क में लेट जाता तो कभी दंड बैठक निकालता है, तो अभी बीच सड़क पर हुड़दंगबाजी करता। ये कोई ग्रामीण रास्ता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग धर्मशाला शिमला है, जहां से सैकड़ों वाहन गुजरते रहते हैं। ये शराबी अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहा है, बल्कि यहां वहां से गुजर रहे सैकड़ों वाहन चालकों यात्रियों की भी जान जोखिम में डाल रहा है। सड़क पर लेटने से हुड़दंगबाजी करने से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है लेकिन वहां से गुजर रहे लोग और तमाशबीन बने लोग उस शराबी को सड़क के बीच नहीं हटा रहे हैं और ना ही किसी ने पुलिस को सूचित किया, मात्र सड़क में तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट ये दिख रहा है कि अधेड़ उम्र का आदमी शराब के नशे में धुत होकर शिमला राजमार्ग पर ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि कानून के विपरीत है, लेकिन फिर भी लोग भी इसमें तमाशबीन बने हुए हैं। और अभी तक अगर प्रशासन ने भी इस संबंध में कुछ नहीं किया तो लगता है शायद सभी मौन अवस्था सुप्त अवस्था में तभी जागते हैं जब कोई अनहोनी घट जाए, या फिर ऐसे आदमी जो लोगों के लिए वहाँ पे चलने वाले वाहनों के लिए भी खतरा है, कल को अगर कोई ऑफेंस होता है या इसमें किसी की जान जाती है या इसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में इसका उत्तरदायी कौन होगा, यह भी एक स्पष्ट सवाल बना हुआ है।